तो गाइस जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन लेने का प्लानिंग करते हो तो आप अलग अलग ब्रांड का स्मार्टफोन ढूंढते हो, देखते हो, रिसर्च करते हो कौन सा फोन अच्छा है कौन सा फोन अच्छा नहीं है, और तब आपके सामने टेक्नो का भी नाम आता है क्योंकि टेक्नो भी इंडिया पे काफी सारा नया नया अच्छा अच्छा फोन को लॉन्च करके रखा है। लेकिन जब आप टेक्नो का फोन देखते हो तो आपका माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या टेक्नो का फोन हमें लेना चाहिए, क्या टेक्नो के ऊपर अभी के टाइम में हम लोग भरोसा कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका ही माइंड में नहीं, मेरा कॉमेंट बॉक्स में भी बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा एक डिटेल्स में वीडियो बना के आपको बताता हूँ कि टेक्नो का मोबाइल कैसा होता है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सब कुछ शेयर करता हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड कमेंट करके आपका भाई जो भी राय है टेक्नो के बारे में वो जरूर से बताना। अब देखो टेक्नो की बात करें तो टेक्नो कोई नया ब्रांड तो नहीं है क्योंकि इंडिया पे 2017 में आया था, मतलब लगभग 7 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस दौरान दोस्तों टेक्नो इंडिया पे बहुत सारा फोन को लॉन्च कर दिया है। देखो टेक्नो पहले बजट फोन लॉन्च करता था बट अब दोस्तों फ्लैगशिप लेवल तक जा चुका है, मतलब 5-6 हजार से स्टार्ट करके 80 हजार तक भी आपको टेक्नो का फोन मार्केट में मिल जाएगा। बट दोस्तों टेक्नो अलग अलग बजट में अलग अलग सीरीज को लॉन्च करके रखा है, जैसे कि अगर आप एंट्री लेवल वाला सीरीज देखोगे 6-7-8 हजार के बजट में, उस बजट में आपको टेक्नो का पॉप सीरीज मिलता है। और पॉप सीरीज का अभी मैंने रिसेंटली लास्ट फोन देखा जो टेक्नो पॉप 9 5G आ चुका है भाई 8.5 हजार में, इतना सस्ते में इंडिया पे इससे पहले आपने 5G फोन नहीं देखा था। एंड दोस्तों 5G के साथ यहाँ पर डिजाइन भी काफी यूनिक दिया है, मतलब टेक्नो यहाँ पर सस्ते में बेटर फीचर्स तो दे रहा है लेकिन साथ में डिजाइन में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, नया डिजाइन भी देने का आपको कोशिश कर रहा है। तो पॉप सीरीज भाई उन लोगों के लिए है जिसको भाई सस्ते में एक बेटर फोन चाहिए, जिसको फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो भाई पॉप सीरीज चूज कर सकता है। एंड उसके बाद जो सीरीज आता है दोस्तों, मतलब 10 हजार से लेकर 12-13 हजार के आसपास के बजट में आपको टेक्नो का स्पार्क सीरीज मिल जाता है। और स्पार्क सीरीज में भी अभी काफी अच्छा अच्छा फोन लॉन्च हुआ है। एंड दोस्तों मैंने देखा है काफी सारा फोन में हमें स्पार्क सीरीज में भी 5G फोन देखने को मिला है। रिसेंटली स्पार्क 20 सीरीज आया है, अब बहुत जल्द आपको स्पार्क 30 सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पार्क सीरीज में भी मैंने देखा है दोस्तों फीचर्स तो काफी अच्छा दिया ही जाता है लेकिन साथ में डिजाइन काफी ब्यूटीफुल रहता है, मतलब बजट में अगर आप डिजाइन देखोगे दूसरा ब्रांड से कंपेयर करोगे तो सच में यहाँ पर डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बिल्कुल भी अच्छा देता है एंड साथ में फीचर्स भी आपको अच्छा मिलता है बजट के हिसाब से। और उसके बाद जो सीरीज आता है दोस्तों पोवा सीरीज 15 से लेकर 20 के आसपास का बजट में आपको मिलता है। और सच बताओ तो मैं इस सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि जब से पोवा सीरीज आया दोस्तों डिजाइन तो बहुत ही यूनिक, मतलब इस तरीके का डिजाइन मैंने किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन में नहीं देखा है जो कि हमें पोवा सीरीज में मिलता है, मतलब अलग ही गेमिंग टाइप का डिजाइन हमें हमेशा देखने को मिला है, बैक साइड में एलईडी लाइट वगैरह मतलब भर भर के देता है, तो ये गेमिंग टाइप का डिजाइन रहता है बट यहाँ पर गेमिंग फीचर्स भी मिलता है। एंड दोस्तों इस सीरीज में मैंने काफी बड़ा बड़ा बैटरी भी देखा है 6000-7000 एमएच का, तो ये सीरीज मुझे सच में काफी अच्छा लगता है एंड इस सीरीज का काफी सारा फोन मैंने यूज करके देखा है, सच में काफी अच्छा होता है। तो पोवा सीरीज मिड रेंज में भाई काफी अच्छा गेमिंग करवा देता है एंड साथ में डिजाइन फीचर्स सब कुछ आपको बढ़िया दे देता है। और उसके बाद जो सीरीज आता है दोस्तों वो केमोन सीरीज जो कि 30 से लेकर 40 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और एक्चुअली तो ये मिड रेंज का अंदर आता है लेकिन यहाँ पर आपको प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स आपको दे देता है, जैसे कि लास्ट अभी टेक्नो केमोन 30 सीरीज आया है दोस्तों जहां पर आपको प्रीमियम लेवल का कैमरा, प्रीमियम लेवल का डिजाइन एंड प्रीमियम लेवल का बिल्ड क्वालिटी के साथ फीचर्स भी आपको मिला है। और खास करके मुझे केमोन सीरीज का जो कैमरा होता है ना वो मुझे काफी पसंद है क्योंकि टेक्नो केमोन सीरीज में बजट के अंदर प्रीमियम क्वालिटी का फीचर्स दे देता है, तो कैमरा में यहाँ पर टेक्नो काफी अच्छा काम करता है केमोन सीरीज में। और उसके बाद जो सीरीज आता है दोस्तों वो फैंटम सीरीज जो कि फ्लैगशिप लेवल का आपको फीचर्स देता है, जहां पर आपको काफी तगड़ा तगड़ा फोन देखने को मिलता है। रिसेंटली टेक्नो फैंटम X2 Pro भी लॉन्च किया है एंड दोस्तों कुछ यहाँ पर फोल्ड या फिर फ्लिप फोन को भी लॉन्च किया है। और टेक्नो अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ लैपटॉप वगैरह भी लॉन्च किया है इंडिया पे, तो देखो टेक्नो यहाँ पर हर एक बजट में भाई बढ़िया बढ़िया फोन को लॉन्च करके रखा है। लेकिन दोस्तों टेक्नो अभी रिसेंटली अपना टेक्नो AI को भी इंट्रोड्यूस किया है और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा भाई बजट वाला फोन में भी टेक्नो अपना टेक्नो AI दे रहा है। और टेक्नो AI की वजह से भाई काफी सारा इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि हमें फ्लैगशिप लेवल का फोन में मिलता था वो टेक्नो अब हमें बजट फोन में भी देना स्टार्ट कर दिया है। एग्जाम्पल के हिसाब से टेक्नो पोवा 6 Neo जो आया है वहां पर देखो काफी सारा AI फीचर्स आपको भर भर के मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर टेक्नो की बात करें गाइस तो देखो फीचर्स में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है लेकिन साथ में यहाँ पर डिजाइन हमेशा न्यू और यूनिक डिजाइन देने का कोशिश करता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा होता है। एंड दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, इसका जो सर्विस सेंटर का इशू था इससे पहले कम था उसको भी टेक्नो भाई सोल्व कर दिया है, लगभग 1300+ सर्विस सेंटर भाई ऑल ओवर इंडिया में टेक्नो ने खोल दिया है। मेरा इधर भी नहीं था बट मैंने अभी चेक किया तो देखा मेरे इधर भी सर्विस सेंटर है, मेरा घर के बाजू में ही है। और आप लोगों का और एक क्वेश्चन होता है कि भाई टेक्नो का UI कैसा होता है, देखो टेक्नो का UI दोस्तों पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है और यहाँ पर अपडेट के मामले में भी टेक्नो अभी धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब अपडेट भी अभी जल्दी देने का कोशिश कर रहा है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे टेक्नो भाई बजट में काफी अच्छा फीचर्स देता है, डिजाइन भी अच्छा देता है और बजट में टेक्नो AI भी अभी देना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंगल लाइन में कह सकता हूँ कि हाँ भाई टेक्नो के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, टेक्नो का फोन आप आराम से खरीद सकते हो बट उससे पहले रिव्यू वगैरह चेक कर लेना। लेकिन टेक्नो का फोन अच्छा होता है, बजट में अच्छा फीचर्स देता है जो कि मैं यूज करके एंड
दोस्तों, सब कुछ रिसर्च करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और जाने से पहले ये वाला वीडियो देखना, ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट को इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।